बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट, तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की जमान में होंगे। तो डेयर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम MNSULT मुल्तान, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के एडमिशन 2020 के बारे में। डेयर स्टूडेंट, इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको कम्प्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और हाउ टू अप्लाई समझाया गया था, लेकिन थोड़ी सी अपडेट हुई है यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी मुल्तान की तरफ से। वो अपडेट ये है कि पहले डेट थी 20 अगस्त 2020 लास्ट डेट थी, लेकिन अब डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 28 अगस्त 2020। और अपडेट ये भी है कि इसमें आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आज आपको एक दफ़ा फिर तरीके का रिव्यू कर दूँगा। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अप्लाई करने के दो तरीके कार हैं, एक है मैनुअली और दूसरा है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअली या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.admission.mnsut.edu.pk, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाएंगे, वहां से आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करने की सहूलत भी मिल जाएगी। और उसके साथ नीचे ही लिंक दिए हुए हैं जहाँ से आप अगर बाई हैंड सबमिशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो आपको वहां से फॉर्म मिल जाएगा, जिसके लिए इवनिंग फॉर्म अलग है, मॉर्निंग अलग है, BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स या BBA के फॉर्म अलहदा हैं, इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और MS के फॉर्म अलहदा से हैं। डे स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, और उसके साथ फीस स्ट्रक्चर भी इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, इस बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो का, वो जाके आप देख सकते हैं, उसमें फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं हाउ टू अप्लाई, एक बार फिर रिव्यू करा रहा हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट कम्प्लीट करने हैं, उनको कम्प्लीट यानी कि स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए स्कैन इस तरह होना चाहिए कि उनका साइज 200 KB से लेस देन हो। अगर 200 KB से ज़्यादा होगा साइज जो आप स्कैन करेंगे डॉक्यूमेंट, तो वो फिर अपलोड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? नंबर एक, फीस डिपॉजिट स्लिप, जो कि आप HBL के किसी भी ब्रांच में 700 पे करके आपको डिपॉजिट स्लिप मिल सकती है। आप MNSULT मुल्तान के टाइटल के नाम से 700 पे करेंगे और वो डिपॉजिट स्लिप भी स्कैन करेंगे, तो वो आपको डिपॉजिट स्लिप वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद नंबर दो पे आपने पासपोर्ट साइज की पिक, उसको स्कैन करना है। नंबर तीन पे FSC फास्टैग रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इनका भी साइज 200 KB से लेस होना चाहिए। नंबर फोर पे है, वो है एंटी टेस्ट का रिजल्ट, अगर आपने दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपका दोबारा एंटी टेस्ट होगा, जो कि MNSULT कंडक्ट करेगी। जिसकी उसके बाद एंटी टेस्ट का रिजल्ट कार्ड, अगर एंटी टेस्ट दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट कार्ड स्कैन करेगा, अगर नहीं दिया। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका कार ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे www.admission.mns.ut.edu.pk पे। स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान ने एक वीडियो ट्यूटोरियल के फॉर्म में एक वीडियो भी अपलोड की है, जो कि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो ऑनलाइन अप्लाई के सिलसिले में। साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, जो कि टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, आपने इस बटन पे क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करवाना है, जिसमें नेम और पासवर्ड आप मेंशन करेंगे। जब आप साइन अप कर लेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे प्रोग्राम नजर आएंगे, तो आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसको क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पेज करेंगे तो रेड कलर का बटन है, क्रिएट बटन, इस पे क्लिक करेंगे। तमाम इंफॉर्मेशन यानी आपने यहाँ पे पुट करनी है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो इसमें आपने इंटर करने हैं। आप उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे आपने अपने मार्क्स इंटर करने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा उसमें आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। प्रेफरेंस के बाद आपने चेकलिस्ट करनी है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, और आफ्टर एडिंग ऑल इंफॉर्मेशन, तमाम इंफॉर्मेशन के बाद आपने फाइनली जो आपको बटन नजर आ रहा है सेव का, उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले पेमेंट के डिटेल के लिए, वो जो आपने HBL में डिपॉजिट किए थे 700, उसका चलान फॉर्म अपलोड करेंगे और साथ ही अपनी एक पिक्चर अपलोड करेंगे, जो कि राइट साइड पे आपको नजर आ रही होगी।
उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, जो कि आपको टॉप पे रेड कलर में नजर आ रहा होगा। इस पे क्लिक करना है, सेव करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ऑनलाइन आपका अप्लाई हो जाएगा। होपफुली आपको MNS यूटी मुल्तान में अप्लाई करने का तरीकेकार समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।